हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल सेवेंथ स्काई एंटरटेनमेंट की तरफ से हमें एक नया प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें हारून खदवानी और कोमल मीर का फ्रेश न्यू पेयर देखने को मिलेगा। इसके पोस्टर को देख के ये लग रहा है कि ये ड्रामा काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर होने वाला है। इसके मेन लीड कास्ट में शामिल हैं हारून खदवानी और कोमल मीर। इनका फ्रेश न्यू पेयर कपल है और उम्मीद है ये कपल भी सुपरहिट साबित होगा। इसके बाद जो इसका एक फर्स्ट लुक देखने को मिला है, उसमें विलेन के किरदार में सुहेल समीर को दिखाया गया है, जो कि हारून खदवानी के साथ हेड टू हेड पोस्टर में नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे में हारून खदवानी तबरेज के नाम से किरदार निभा रहे हैं, जबकि कोमल मीर मिनशा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। इसके अलावा जो विलेन का किरदार सुहेल समीर निभा रहे हैं, वो इस ड्रामे में वहार के नाम से नजर आएंगे। इसके अलावा शेहर हाशमी के फैंस के भी लिए खुशखबरी है, वो भी इस ड्रामे में नजर आएंगी। इस ड्रामे में शेहर हाशमी रुखसार के नाम से रोल करते नजर आ रही हैं। इस ड्रामे के पोस्टर और फर्स्ट लुक को देखकर लगता है कि ये ड्रामा सुपरहिट साबित होगा। इसकी कहानी और कास्ट के बारे में बताएंगे, तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। और आपको भी हारून खदवानी का ड्रामा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इसकी स्टोरी पे नजर डालते चलें, जब मोहब्बत गहरी होती है तो उसके नुकसान भी होते हैं। हारून खदवानी और कोमल मीर ड्रामा इश्क हुआ में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाने वाले हैं। इसके पोस्टर को देख के लग रहा है कि हेड टू हेड हारून खदवानी के साथ सुहेल समीर का जो पोस्टर है, उसको देखकर ये लग रहा है कि इस ड्रामे में दोस्त भी होने वाले हैं और दुश्मन भी। दूसरी तरफ पोस्टर में देख रहे हैं कि हारून खदवानी और कोमल मीर भागते हुए नजर आ रही हैं, तो ऐसा लगता है कि इस ड्रामे में सुहेल समीर की बहन है कोमल मीर और सुहेल समीर इन दोनों की मोहब्बत के खिलाफ होते हैं, जिसकी वजह से हारून खदवानी और कोमल मीर भाग जाते हैं और उसके बाद ही इस ड्रामे में सही ट्विस्ट का आगाज होता है। इसके फर्स्ट लुक और पोस्टर को देख के लग रहा है कि ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका टीजर तो अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन इतना आपको बताते हैं, ये एक मिनी प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसमें मिनी सीरीज या फिर कुछ एपिसोड्स ही दिखाए जाएंगे। जियो टीवी इस ड्रामे को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है और हर एक्टर अपनी जबरदस्त एक्टिंग के जौहर दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको बताते चले, इस ड्रामे को लिखा है नौरा मखदूम ने। आपको बताते चलिए, पाकिस्तान की फेमस राइटर हैं, जिन्होंने इससे पहले ड्रामा सीरियल तेरे बिन की स्टोरी लिखी थी, जो ड्रामा सुपर डुपर हाई रेटिंग हुआ था। और यही रीजन से लग रहा है कि ड्रामा इश्क हुआ भी ब्लॉकबस्टर होने वाला है। और इस ड्रामे को डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने, जिन्होंने इससे पहले ड्रामा सीरियल खाई और खुदा और मोहब्बत का सीजन 2 भी डायरेक्ट किया है। आप लोगों को इश्क हुआ के बारे में क्या राय है, और आप लोग कोमल मीर और हारून खदवानी को एक साथ देखना चाहते हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही मेरे चैनल फिल्मी नजिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।